हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में दो काफी लाइक काफी ज्यादा बड़े अपडेट्स देने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सहाल अब्दुल समाद के बारे में। तो सहाल अब्दुल समाद के ऊपर दो क्लब्स ने काफी ज्यादा हेविली इंटरेस्ट दिखाया है और केरला उन दोनों क्लब्स के ऑफर्स को भी कंसिडर कर रहा है। एंड वो दो क्लब्स है बैंगलोर एफसी एंड द वन एंड ओनली क्लब मोहन बगान सुपर जायंट्स। तो संजीव गोयनका इज लाइक यार मैं फुल घुसने वाला इस बार, कोई नहीं रोक सकता। सो इट्स लाइक एन ऑल आउट अटैक फ्रॉम मोहन बगान साइड अनिरुद्ध थापा। और अगर इस बार सहाल का भी साइनिंग वो लोग कंप्लीट कर लेते, मुझे पता नहीं कि वो लोग लाइक यू नो कितना ज्यादा डेडली टीम बन जाएगा, लाइक बहुत खतरनाक टीम बन जाएगा। लेकिन बैंगलोर ने भी इंटरेस्ट दिखाया है और मोहन बगान ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। इसी के साथ साथ और भी दो क्लब्स है जिनका नाम सामने करके नहीं है, जो कि बहुत कोई प्रेडिक्ट कर रहा है कि वो लाइक यू नो चेन्नई हो सकता है, गोवा हो सकता है। तो प्रेडिक्शन चल रहा है, लेकिन केरला लिटरली कंसिडर कर रहे कि वो हो सकता है कि साहल को यू नो एक अच्छा वाला ट्रांसफर फी में सोल्ड आउट कर ले। एंड मोहन बगान से अब ट्रांसफर फी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मोहन बगान एक काफी बड़ा ट्रांसफर फी देने के लिए भी रेडी है, जो कि बोला जा रहा है कि अनिरुद्ध थापा से भी ज्यादा होने वाला है। मतलब मोहन बगान कहे कि अभी हम लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाया है, उसी रिकॉर्ड को कुछ ही दिनों के अंदर हम लोग ही वापस तोड़ेंगे। सो दिस इज लाइक विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट साइनिंग ऑफ दिस ईयर। एंड लाइक यू नो ये बिगेस्ट वाला रिकॉर्ड लाइक टिक ही नहीं रहा यार। सो लिटरली मुझे पता नहीं किस चीज को कैसे डिस्क्राइब करूं मैं, चीजें मैटर काफी ज्यादा क्लोज है। बैंगलोर भी पूरा अपने तरीके से ट्राई कर रहा है कि नहीं सहाल का साइनिंग बैंगलोर वो भी कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मिडफील्ड काफी ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। अब सहाल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सहाल अब्दुल समाद कौन से क्लब में जाना चाहते हैं। सो प्लेयर के ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। सो देखते कि फाइनली सहाल अब्दुल समाद कौन से क्लब में जाते हैं। एंड आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप सहाल अब्दुल समाद को कौन से क्लब में देखना चाहते हो, मोहन बगान में, बैंगलोर में, या फिर लाइक कोई दूसरे क्लब में, चेन्नई, गोवा, या फिर आप केरला में उनको देखना चाहते हो, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट रिजर्वर एफसी गोवा की तरफ से, तो एफसी गोवा ने साइनिंग ऑलमोस्ट लाइक यू नो जो कि मैंने बहुत पहले आपको कवर करके बता दिया था, लेकिन मार्कस सन ने भी कंफर्म कर दिया है कि इंडिया का साइनिंग ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। 24 से 48 घंटे के अंदर जो थोड़ा थोड़ा फॉर्मेलिटीज जो बाकी है वो भी कंप्लीट हो जाएगा एंड हम लोग ओडा इंडिया को एफसी गोवा में फाइनली ऑफिशियली देख पाएंगे, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है। एफसी गोवा को एक अच्छा खासा लाइक यू नो डिफेंडर मिल जाएगा और डिफेंसिव जो स्टेबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि नो डाउट एक बहुत अच्छा चीज है यू नो अगर हम लोग देख ले गोवा के लिए। और एक फॉरेन उनके पास ऑलरेडी संदीप जिंगन जितना इतना ज्यादा इनफॉर्म टैलेंटेड इंडियन डिफेंडर है, और अगर उडयन इंडिया भी आ जाते तो नो डाउट एक बहुत अच्छा डिफेंसिव कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन बन जाएगा गोवा के लिए एंड गोवा का डिफेंस काफी ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। अच्छे फॉरेन प्लेयर उडयन इंडिया, इंडिया में खेलने का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी मैरोला मार्कस रोका के अंडर खेला है, तो उनको पता है कि मैरोला मार्कस रोका स्ट्रेटजी क्या है, स्टाइल क्या है, तो उनको अडॉप्ट करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो स्ट्रेटेजिकली, टेक्निकली, हर एंगल से काफी परफेक्ट एंड काफी कंप्लीट साइनिंग है ये। एंड मैं तो डेफिनेटली एक साल का एक कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है अभी के लिए, एंड देखते हैं कि उडयन इंडिया का परफॉर्मेंस इसी गोवा में आने वाले सीजन में कैसा रहता है।